नवी मुंबई मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर को शुक्रिया कहने आए ये लोग सानपाड़ा के ज्येष्ठ नागरिक और रहवासी हैं, जो बीजेपी के युवा नेता निशांत भगत के नेतृत्व में यहां आए हैं, क्योंकि इन्हीं के प्रयास से सानपाड़ा सोनखार के लोगों को जल्द ही नया रास्ता मिलने वाला है। निशांत भगत के अनुसार सानपाड़ा के पाम बीच सोनखार एरिया में सबसे बड़ी समस्या थी ट्रैफिक की। सिडको द्वारा यहाँ के रहवासियों के लिए एंट्री और एग्जिट की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता था और लोगों को आवागमन में प्रॉब्लम हो रहा था। इसी एंट्री एग्जिट को बनाने के बारे में वर्ष 2015 में दिए गए वचन को नगर सेविका रूपाली भगत और विजयंती भगत ने विधायक गणेश नाइक और मनपा कमिश्नर अभिजीत बांगर के सहयोग से पूरा कर दिया है, जिसकी खुशी यहाँ के रहवासी मना रहे हैं। सानपाड़ा पाम बीच सोनखार एरिया में सबसे बड़ी समस्या थी ट्रैफिक की। ट्रैफिक की समस्या को उन्होंने सिडको ने ख्याल में नहीं रखा। 2000 साल से डेवलपमेंट हो रहा था सानपाड़ा पाम बीच एरिया में, लेकिन एंट्री और एग्जिट के लिए उन्होंने दूसरा ऑप्शन नहीं रखा था। तो 2015 के इलेक्शन में लोगों को आश्वासित किया था कि आने वाले दिनों में यहाँ पर अंडरपास हम लोग करेंगे। वही वचन पूर्ति आज आयुक्त साहब के माध्यम से नगर सेविका रूपाली भगत और वैजयंती भगत के माध्यम से हुआ है। इसमें सबसे बड़ा सहयोग जो रहा है आदरणीय गणेश जी नाइक साहब का और दशरथ भगत साहब का। तो आज इस काम का टेंडर हो चुका है, तो आयुक्त साहब को मिलने हम लोग आए थे, उनको आभार प्रकट करने आए थे। उनका दिल से हम लोग ने आभार व्यक्त किया है और उनको बुके दे के हम लोग ने उनका आभार माना है। जो ट्रैफिक की समस्या थी वो मोराद चौक में आके रुक जाती थी। सुबह 7:30-8 बजे से लेके 9:30-10 बजे तक सुबह ट्रैफिक होती थी। वही शाम में 6:30 बजे से 9:30 बजे तक पूरा ट्रैफिक जाम होता था। वही सीवर्स गार्डन और मोराज के सामने जो रोड है वो पूरा कंजेस्टेड है, उसमें आने जाने के लिए रास्ता नहीं था। तो ऑप्शनल केसर सॉल्टर के यहाँ पे सेक्टर 19 वहाँ पे भुयारी मार्ग बनाने के जब भी हम लोगों ने प्रपोजल दिया, वो टाइम पे अभिजीत बांगर साहब ने कमिश्नर हमारे उन्होंने पूरा पॉजिटिव लेके उसका टेंडर निकाला। इसके लिए हम लोग ने आज यहाँ पे उनको आभार प्रकट करने के लिए हम लोग सब हमारे एरिया के सभी ज्येष्ठ नागरिकों को साथ में लेके और सब नगर सेविका यहाँ पे आके हम लोग ने उनका आभार मान के हमने उनको बुके दिया था। 2015 से हम लोग डिमांड कर रहे थे, उसमें वाघमारे साहब वो टाइम के कमिश्नर वाघमारे साहब हो, तुकाराम मुंडे साहब हो, फिर उसके साथ अन्ना साहब मिसाल हो, फिर रामास्वामी हो। अन्ना साहब मिसाल ने वो टाइम पे विजिट किया, साइट विजिट हुआ था। साइट विजिट होने के बाद वहाँ पे लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के वजह से 1 साल पूरा निकल गया। और वही दौरान गणेश नाइक साहब के साथ हमारा जो बातचीत हुआ उनके सामने जब हम लोग ने ये प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने स्पेशली ये सब्जेक्ट को लेके उन्होंने कमिश्नर साहब के से बात करके ये प्रपोजल को आगे लेके जाके कमिश्नर अभिजीत बांगर साहब ने उन्होंने प्रस्ताव पारित करके वो मंजूर करके दिया। बीजेपी के युवा नेता निशांत भगत ने मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात में सानपाड़ा सोनखार क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों को पहले कोरोना टीका लगाने की भी मांग की। नगर सेविका वैजयंती भगत, नगर सेविका रूपाली भगत और वरिष्ठ नागरिकों की संस्था के पदाधिकारियों के साथ आयुक्त को इस मांग का निवेदन देने के बाद निशांत भगत ने कहा कि कोरोना का प्रभाव बुजुर्गों में अधिक है, इसलिए इस फेज में उन्हें पहले टीका लगाने की व्यवस्था की जाए। जैसे हमारे एरिया के अंदर सानपाड़ा सोनखार ज्येष्ठ नागरिक सेवा समिति कार्यरत है, साथ ही साथ नगर सेविका वैजयंती भगत, रूपाली भगत और फसीभाई भगत के माध्यम से हम लोग ने प्री रजिस्ट्रेशन वैक्सीन रजिस्ट्रेशन का हम लोग ने वहाँ पे मुहिम चालू किया था। उसमें बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। तो आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से जब भी 1 तारीख को सीनियर सिटीजन को वैक्सीन देने का जब भी उन्होंने फैसला लिया, तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग ने हमारे समिति के माध्यम से और वार्ड के नगर सेविका के माध्यम से हम लोग ने निवेदन दिया कि आने वाले दिनों में 1 तारीख को जब भी वैक्सीन देने की बात आएगी, तो सबसे पहला हमारे सीनियर सिटीजन को वैक्सीन देने का काम सानपाड़ा मेडिकल ऑफिसर, वाशी मेडिकल ऑफिसर के माध्यम से हो, ऐसे हम लोग ने निवेदन में कहा है। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, नवी मुंबई।